ये रिश्ता क्या कहलाता है। जब से दोनों बच्चियां गई हैं, मेरा तो वहीं दिल अटका है। पता नहीं कैसा हुआ होगा इम्तिहान। फिकर मत कीजिए दीदी, दोनों ने अच्छी तैयारी की है। लेकिन अब तक आई क्यों नहीं है छोटी? शौर्य गए होने लेने, आते होंगे। दादू मजाक की भी आदत दी है। माँ को भी बता दो तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ, इंतजार कर रही। ऐसे चहकती हुई आ रही, मुझे लगता है इम्तिहान अच्छा ही हुआ होगा। आओ आओ, कैसा रहा? कैसा वो पर्चा अक्षर दीदी? हम तो सवेरे से आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपको देख के लगता है पर्चा अच्छा ही हुआ है। डर लग रहा होगा ना, कहीं अच्छा ना हुआ तो जमाई सा क्या समझेंगे। आप कह रहे थे ना कि वो पढ़ाई में वो है वो फर्स्ट नंबर, और वो चाहते हैं कि आप भी वो ही बने। अब देखना आप फर्स्ट नंबर बन ही जाएंगी। क्या है धनिया, आते ही दिमाग खराब करने लग गई, चुप नहीं रह सकती? एक मिनट का चैन नहीं है तुझे? जब देखो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने लग जाती है। ये सब फालतू बातें करने से अच्छा है कि तुम्हारा दिमाग काम में लगे तो ज्यादा अच्छा रहता, समझी? अक्षरा, ये क्या तरीका है बात करने का? बड़ी माँ, इसमें अक्षरा दीदी की कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी है। वो पर्चा देखी इतनी गर्मी में आई है थककर, और हमने ना चाय पूछी ना पानी ना शरबत, और उनका दिमाग खाने लग गए। जो भी हो बात तो ढंग से करनी चाहिए ना। अरे हो क्या गया है तुझे? बड़ी माँ, आप अक्षरा दीदी को क्यों डांट रही है? वो हम तो ऐसे ही बात करते हैं, है ना अक्षरा दीदी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या गया इस लड़की को? ये मैंने क्या किया? मुझसे कैसे हो गया ये? नीति जी ने तुझे खास तौर से ऐसा करने के लिए कहा था ना, सोच समझ कर ही कहा होगा ना, पर मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। देखा नहीं कैसा चेहरा हो गया था बेचारी का। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अक्षरा, अक्षरा, अक्षरा बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? गोपी कह रही थी कि तो हमें तो लगे हमारी अक्षरा बिटिया को नजर लग गई है सेठानी, जब भी तो देखी चेहरा कैसा उतर गया है, हम अभी इसकी नजर उतार देते हैं। वर्षा बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्चा खराब हो गया तो? नहीं नहीं दादी, पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था और हमने सारे क्वेश्चन के आंसर किए थे। तो जरूर धूप लग गई होगी, वरना हमने अपनी अक्षरा बिटिया को इतना गुस्सा करते कभी नहीं देखा था। जाने क्या हो गया ऐसे, अक्षरा ने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। उसका पेपर तो अच्छा गया ना, इतनी मेहनत की है, कहीं उसके वजह से तो उसका मूड खराब ना हुआ? ना ना, पर्चा तो उसका बहुत अच्छा हुआ। वर्षा बता रही थी सारे पढ़े हुए सवाल आए। अरे नजर लग गई है उसे, देख तो धनिया मिर्चे कैसी चटक रही हैं। हम तो उसकी रोजाना नजर उतारेंगे। कुछ भी हो गोपी दादी, कम से कम बात तो ठीक से करनी चाहिए ना, बिना किसी कारण के चिढ़े रहना, ये क्या बात हुई? लड़कियों में तुनक मिजाजी ठीक नहीं होती, और कल को ससुराल जाएगी तो वहाँ क्या? अब इस बात को यहीं खत्म करो, क्यों दिल का ताड़ बना रही हो? ये है बच्ची। अच्छा तुम ही बताओ, खाली पेट गुस्सा नहीं आएगा?
सुबह हड़बड़ाहट में कुछ खाया नहीं। अच्छा तुम ऐसे करो, उसके लिए जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो, दो दाने मुंह में जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बड़ी माँ, हम अक्षरा दीदी के लिए बादाम का शरबत ले जाएं, पिएंगी तो मन भी अच्छा हो जाएगा और गुस्सा भी शांत हो जाएगा। नहीं देनी, तू रहने दे। बड़ी बहू। बड़ी माँ, अक्षरा दीदी हम पर जानबूझ के नाराज थोड़ी ना हुई थी, वो तो बाहर से इतनी गर्मी में थकी और परेशान आई थी, शायद इसलिए चिड़चिड़ा गई। दीजिए ना, हम ले जाते। तो ये सब धनिया के लिए कर रही है ना, तो फिर धनिया खुद के लिए तो ये सब करने से रही, लेकिन तू तो उसकी मदद कर सकती है ना। पर उसके दिल को दुखाकर तू नैतिक जी की बात मान क्यों नहीं लेती? देख, धनिया की भलाई इसी में है। अब प्लीज, कल एग्जाम है, उसकी तैयारी करेंगे। धनिया आ रही है, याद नहीं तुझे क्या करना है? मुझसे नहीं होगा, प्लीज वर्षा, शरा तुझे करना होगा। कैसे? लेकिन दीदी, चलिए पढ़ाई बाद में, पहले ठंडा ठंडा शरबत। धनिया, ये कोई जगह है शरबत रखने की? मेरी किताबों के ऊपर गलती हो गई थी। बेड पर खाने का सामान रखते हैं, इतनी सी भी तमीज नहीं है तुझे? हम तो बस आपके लिए शरबत लाए थे। पढ़ाई के टाइम पे डिस्टर्ब करने चली आती है। हमने सोचा आप दोनों को प्यास लगी होगी। हमने कहा था तुझे लाने के लिए, अब ये ट्रे लेकर कहाँ जा रही है? अब यही खड़ी रहेगी या इसे टेबल पर भी रखेगी? धनिया, वो जाते जाते दरवाजा भी बंद करते जाना। अरे धनिया, कहाँ भाग के जा रही है? क्या हुआ? क्या अक्षरा दीदी ने फिर से कुछ कह दिया? हाँ हाँ हाँ, बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कहा अक्षरा दीदी ने। हमें ना बताओगी? हम जानते हैं। उन्होंने अगर कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ? वो हमारी अपनी है, हम गलती करेंगे, वो नहीं टोकेंगी, और कौन टोकेगा? ये रिश्ता